कहा जाता है, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जियो तो जिंदगी है। जी हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ ईकोर 2 से 5 डिग्री तापमान पहुंच गया है, ठिठुरन भरी ठंड से हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की सामाजिक संस्था द हैप्पीनेस फाउंडेशन के सदस्य प्रतिदिन रात्रि 10 बजे जरूरतमंदों तक गर्म कंबल पहुंचाने का सेवा कार्य कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों का उद्देश्य इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाना है। टीम का नेतृत्व कर रहे बिजनेसमैन हेमंत निगम ने कहा कि यह सेवा कार्य उनका तब तक चलता रहेगा जब तक जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति तक कंबल ना पहुंचा दे। उनके सेवा कार्य में बबीता सेंगर, गजेंद्र आर्य, सुरेंद्र कुशवाहा, अनूप पांडे आदि सहयोगी हैं। सभी अपने व्यवसाय से कुछ राशि एकत्रित कर यह पुण्य कार्य कर रहे हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ग्वालियर में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, जहां आजकल पिछले 2 दिनों से जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। आज जो लगभग टेम्परेचर है वो 5 डिग्री आ चुका है ग्वालियर का टेम्परेचर। हमारा जो संस्था है हैप्पीनेस फाउंडेशन, जो हैप्पीनेस ग्रुप है हमारा, उसकी तरफ से हम लोग ने एक कैंपेन चलाया है, वार्म ब्लैंकेट कैंपेन। इसमें हम उन लोगों को ब्लैंकेट दे रहे हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं, मरीज हैं, अटेंडेंट हैं उनके, जिनके पास ब्लैंकेट नहीं है, वार्म ब्लैंकेट नहीं है, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने मुहिम छेड़ी हुई है पूरे ग्वालियर में कि हम जब तक ये ठंड पड़ेगी हम लोग ब्लैंकेट वितरण करते रहेंगे ग्वालियर के आसपास। जहाँ भी लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, जिनके पास ब्लैंकेट नहीं है, हम उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको सर्दी से बचा सकें, क्योंकि जो सर्दी है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्दी से बचाएं, और वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, और सभी के लिए जो विंटर है, जो सीज़न है, जो ठंड का सीज़न है, वो अच्छे से गुजरे। धन्यवाद।